गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस, लेक्चर 8, चैप्टर 2, एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड देयर यूजेस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट अदर प्लांट्स। Coastal area. The area near the sea is coastal area. In this area, water is salty and the climate is usually humid. ऐसा area जो sea के समुद्र के पास होता है उसे coastal area बोलते हैं। और ऐसी जगहों पर पानी salty होता है, नमकीन होता है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड मतलब नमी वाला होता है। नेक्स्ट है प्लांट इन मार्श मतलब दलदल में जो प्लांट्स होते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉल्ड मैंग्रोव ग्रो इन मार्शी रीजन। द सॉयल ऑफ दीज एरिया इज स्टिकी क्लेई एंड कवर्ड विथ वाटर। जो दलदल वाला जो भी जगह होती है वहां पर मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ऐसी जगहों की जो सॉयल होती है, मिट्टी होती है, वो स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है और पूरा टाइम जो है वो पानी से ढकी रहती है। नेक्स्ट ब्रीदिंग रूट्स। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ मार्शी एरिया डू नॉट गेट एयर थ्रू द सॉयल। सो the roots of these plants come out of the soil to breathe. They are called breathing roots of the plants. हमने अभी ऊपर देखा कि जो दलदल में प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी और क्लेई सॉइल होने की वजह से सांस नहीं ले पाते, तो उनकी कुछ रूट्स सांस लेने के लिए पानी के ऊपर भी ग्रो करती हैं। इन्हें हम ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं और ये जो मार्शी एरिया दलदल वाला जो एरिया होता है वहीं पर होती हैं। प्लांट्स इन डेजर्ट्स रेगिस्तान के प्लांट्स जो होते हैं। प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स चेंजेस देयर लीव्स इनटू स्पाइन्स ड्यू टू प्रिवेंट वाटर लॉस। स्टेम परफॉर्म द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो वाटर लॉस पानी की लॉस को कम करने के लिए कांटों में चेंज हो जाती हैं और जो उनके स्टेम होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे पूरा करते हैं। Now, in today's lecture, we will talk about some other plants. आज हम कुछ और plants के बारे में भी पढ़ेंगे। Aquatic plant. Aquatic plants वो होते हैं जो पानी में रहते हैं। Plants which grow in water are called aquatic plants. ऐसे plants जो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। तीन तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड सबमर्ज प्लांट या अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स। These plants are light, spongy, so they can float on water. जो ये floating plants होते हैं ये थोड़े spongy होते हैं। जैसे आपने sponge देखा है ना, वो बिल्कुल light होता है और पानी पर तैरता है। इसी तरह से ये plant भी spongy होते हैं और ये पानी पे तैर सकते हैं। Like small green algae, डकवीट, पिस्टिया, वाटर हाइसिंथ एक्सेट्रा।
इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, स्मॉल ग्रीन एल्गी है, वाटर हाइसिंथ है एंड डकवीड है, ये सब फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट। प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम्स लाइक लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड। वाटर लिली और लोटस ये फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट हैं और ये इनके जो स्टेम होते हैं वो पॉन्ड के बिल्कुल जो नीचे तले होते हैं उनमें फिक्स्ड होते हैं और बहुत लंबे होते हैं इनके स्टेम्स। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम्स विच आर होलो एंड लाइट। इनके स्टेम होलो, होलो मीन्स खोखले होते हैं और लाइट होते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर जनरली ब्रॉड, फ्लोटिंग, हैविंग स्टोमेटा एंड वैक्सी लेयर ऑन द अपर सरफेस सो दैट वाटर डज नॉट ब्लॉक द पोर्स। ये जो प्लांट्स हैं ये हमेशा पानी में रहते हैं, तो इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, ये चौड़ी होती हैं, ब्रॉड मीन्स चौड़ी होती हैं, फ्लोटिंग होती है मतलब तैरती रहती हैं और हैविंग स्टोमेटा, इनमें भी स्टोमेटा होते हैं एंड वैक्सी लेयर, एक मोम की तरह की जो लेयर होती है वो इनकी पत्तियों की सरफेस पे होती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पानी में रहते हैं तो पानी इनके पोर्स को बंद ना कर दे, इसलिए वैक्सी लेयर होती है ताकि इनके जो पोर्स हैं वो ओपन रहे। नाउ सबमर्ज प्लांट्स। प्लांट्स लाइक टेप ग्रास एंड हाइड्रिला ग्रो बिलो द वॉटर सरफेस। प्लांट्स जैसे कि टेप ग्रास और हाइड्रिला ये पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। देयर नैरो स्टोमेटा एट ऑल, इनके स्टोमेटास जो होते हैं वो बहुत नैरो छोटे होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, इसलिए वो अपनी बॉडी सरफेस मतलब जो इनकी लंबी लंबी सी जो आपको पत्तियां दिख रही हैं उसी के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ब्रीथ आउट बाय एक्वेटिक एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? जो एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट्स इनहेल करते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन यूज सच प्लांट इन एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है कईयों के घर में, बहुत सुंदर लगता है, तो इसी वजह से हम इन प्लांट्स को एक्वेरियम में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। यूजफुल ग्रास प्लांट। अब हम कुछ ग्रास प्लांट फैमिली को देखेंगे जो बहुत यूजफुल हैं। प्लांट्स सच एज वीट, मेज एंड ज्वार बिलोंग टू द ग्रास फैमिली प्लांट्स। इस स्लाइड में आपको वीट मतलब गेहूं, मेज मीन्स मक्का और ज्वार आपको ये दिख रहे हैं पिक्चर्स में, इन सबको ग्रास फैमिली प्लांट्स बोलते हैं। दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ये इनसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स अपना खाना बनाते हैं, इनको खाने की तरह से खाते हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन मैनी वेज। हम अपने डेली यूज में जो है डेली लाइफ में इनसे खाना खाते हैं। वीट की भी आपने देखी है रोटियां बनती हैं, मेज की मतलब मक्के की भी बनती हैं, ज्वार की भी बनती हैं, पर इसके अलावा भी हम इन्हें कई और तरीकों से यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर यूज्ड टू मेक पेपर। अलग अलग ग्रासेस से पेपर्स बनाए जाते हैं। ग्रासेस आर यूज्ड टू मेक मैट्स,
baskets, huts, etc. इन घासों से मैट, बास्केट और हट भी बनती हैं. ग्रासेस ऑल्सो होल्ड द सॉयल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे इन द रेन. बारिश के टाइम में ये ग्रासेस जो होती हैं वो मिट्टी को बहने से रोकती हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं. तो इस तरह से ये ग्रासेस बहुत यूजफुल होती हैं. सम अनयूजबल प्लांट्स, कुछ अलग तरह के प्लांट्स. सम प्लांट्स विच आर नोन एज इंसेक्टिवरस प्लांट्स ट्रैप द इंसेक्ट्स एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर बॉडीज. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवरस प्लांट्स बोलते हैं. ये प्लांट किसी भी जो प्लांट इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठता है उन्हें ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर उसकी बॉडी में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दीज आर द प्लांट्स विच लिव इन सॉयल. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सॉयल में होते हैं. Deficiency of nutrients that are needed for the normal growth of the plants. इनमें normally जो दूसरे plants होते हैं जिनमें nutrients होते हैं इनमें इन nutrients की जो growth करने में help करते हैं उनकी कमी होती है. ऐसे example कौन से हैं? Venus plant, fly trap plants, पिचर प्लांट, संड्यू प्लांट एक्सेट्रा. अब हम आगे देखेंगे इनके एग्जाम्पल और डिटेल में. फर्स्ट ऑफ ऑल वीनस फ्लाईट्रैप. आपको ये स्लाइड में इस जो ये प्लांट है इसकी पिक्चर दिख रही है. वेन एवर एन इंसेक्ट से फ्लाई comes and sits on its leaf, it snaps shut round the insect and trap it. आपको ये दिख भी रहे हैं नुकीली नुकीली से. जब भी कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठता है तो ये अपने को बंद कर लेते हैं और इंसेक्ट इनके अंदर फंस जाता है. पिचर प्लांट. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर ऑफ पिचर शेप्ड विद अ लिड. इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो पिचर की शेप की, मतलब एक घड़े की शेप की होती हैं और इनमें एक लिड ऊपर से ढक्कन भी होता है. आपको स्लाइड में दिख भी रहा है उनकी शेप. व्हेन एन इंसेक्ट sits on the mouth of the pitcher shaped leaf, its lid shuts and the insect gets trapped inside it. जब भी कोई इंसेक्ट इसके कॉर्नर पर आके बैठता है तो एकदम से इनकी जो ऊपर की लिड है वो बंद हो जाती है और इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है. इसे पिचर प्लांट बोलते हैं. नाउ संड्यू प्लांट्स. जैसे हमने पिचर प्लांट देखा, वीनस फ्लाई ट्रैप देखा, वैसे ही संड्यू प्लांट्स. इट ट्रैप्स इंसेक्ट ऑन द डेडली हेयर्स दैट कवर देयर लीव्स. द स्टिकी ड्रॉप्स at the end of the hair kill the insect. जब भी कभी कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आता है तो इसके जो हेयर्स, आपको बाल दिख रहे हैं और इनको शेप जो है वो बिल्कुल ड्रॉप की तरह दिख रही है, इसीलिए इनका नाम संड्यू ड्रॉप है. तो ये
जब भी इनके ऊपर कोई इंसेक्ट आता है तो ये जो इसके बाल हैं ये डेडली ईयर्स हैं, वो इनको इंसेक्ट को मार देते हैं। दीज प्लांट्स कैच इंसेक्ट्स, डाइजेस्ट देम एंड यूज द न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ। जब इनके ऊपर इंसेक्ट आता है, आपको स्लाइड में दिख रहा है इंसेक्ट इनके ऊपर आया, तो इनके हेयर्स ने इनको मार दिया और इस प्लांट ने उन इंसेक्ट को कैच कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया उसको और उसके न्यूट्रिएंट्स से अपनी ग्रोथ की। तो ये दूसरे इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट से अपने आप को ग्रो करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एक्वेटिक प्लांट्स और कुछ अलग से अनयूजुअल प्लांट्स को देखा और ग्रास फैमिली प्लांट्स को भी देखा। अब ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज लेक्चर यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट। आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब वो प्लांट जो लैंड पर होते हैं और जो एक्वेटिक प्लांट पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं उनके बीच में डिफरेंस बताना है। आप एक बार दोबारा से इस पूरे लेक्चर को देखना और कल वाले लेक्चर को देखना, फिर उस बेस पर आप अपना आंसर लिखना। सेकंड क्वेश्चन, नेम एनी टू प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट्स। दो ऐसे प्लांट्स के नाम बताने हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। नाउ होमवर्क सॉल्यूशन। आपको जो काम मैंने कल दिया था होमवर्क, उसका सॉल्यूशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? द प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स लिव इज नोन एज देयर हैबिटेट। जहां पर लिविंग थिंग्स जिस भी क्लाइमेट में जैसे भी रहते हैं वो उसका हैबिटेट होता है। हाउ डू कॉनिफर ट्रीज अडैप्ट देमसेल्व्स टू हिली रीजन। कॉनिफर ट्रीज अपने आप को हिली रीजन के हिसाब से कैसे ढाल लेते हैं? आंसर इज कॉनिफर ट्रीज ग्रो वेरी टॉल एंड स्ट्रेट। कॉनिफर ट्री बहुत लंबे और स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। दे बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। उनके फ्लावर की जगह पर कोन होते हैं। दे हैव निडल लाइक लीव्स और उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत नुकीली होती हैं। इस तरह से जो ये कॉनिफर ट्रीज हैं ये हिली रीजन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द स्टेम्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स स्वेलन। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो स्टेम होते हैं वो फूले हुए क्यों होते हैं? आंसर इज स्टेम्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर स्वेलन बिकॉज प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स टू बी कंज्यूम्ड लेटर। क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये पानी के लॉस को रोकने के लिए अपने स्टेम के अंदर ही पानी को स्टोर कर लेते हैं और इसे बाद में यूज करते रहते हैं। इस तरह से डेजर्ट प्लांट जो उसके स्टेम है वो फूले हुए होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैप्पी लर्निंग।